नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करूंगा कृपया शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं। गर्मी के मौसम में आपके सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है खान पान का, डाइट का ख्याल रखना। इस मौसम में अगर आप ठीक से डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका बीमार होना निश्चित है। गर्मी में तापमान बढ़ने से शरीर पर भी इसका असर पड़ता है, इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे शरीर इस हॉट वेदर का मुकाबला कर सके। गर्मी में पाचन तंत्र भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जरूरी है ताज़ा और हल्का भोजन ग्रहण करें। इस मौसम में बासी और खराब खाना न खाएं। पसीना, डिहाइड्रेशन, बेचैनी, घबराहट, सुस्ती और ऊर्जा में कमी गर्मी के मौसम में आम लक्षण हैं। हालांकि इस मौसम में हम अगर कुछ सावधानी रख लें तो बेचैनी और सुस्ती को दूर भगाया जा सकता है। इसलिए मौसम के अनुकूल डाइट के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी संतुलित रखना होगा। आइए जानते हैं इस मौसम में कैसा खान पान हमें लेना चाहिए और किस तरह खुद को हम फिट रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे करें हम अपने दिन की शुरुआत। गर्मी के मौसम में अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी पीने के साथ करें। सुबह हेल्दी नाश्ता करें जिससे आपके शरीर में लंबे वक्त तक एनर्जी बनी रहे। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, जैसे अंकुरित अनाज, फ्रूट्स, छाछ, दही, दूध, सैलेड इत्यादि इस्तेमाल करें। खाने में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। दिन की शुरुआत कभी भूख के पेट नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत हल्के गुनगुने नींबू पानी और शहद के साथ भी कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन जितना हो सके कम कर देना चाहिए। कैफीन से शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ता है। इसके बजाय जूस, दही, लस्सी, मट्ठा, सत्तू, नींबू पानी, आम्रपन्ना, बेल शरबत, नारियल पानी, गन्ने का रस इत्यादि अपनी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मौसमी फल और हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मौसम में मिलने वाले फल और सब्जियां गुदेदार, मुलायम और पानी से भरपूर होती हैं। अपनी डाइट में खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, पुदीना इत्यादि शामिल करना चाहिए। इनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भी ये भरपूर होते हैं। खाने में दूध की जगह दही का इस्तेमाल करना चाहिए। डाइट में प्याज को भी शामिल कीजिए। प्याज में कैवरेस्टिंग होता है जो गर्मी में आपकी स्किन पर पड़ने वाले रैशेज में भी आपको आराम पहुँचाता है। इस मौसम में अंगूर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अंगूर में लाइकोपिन होता है जो कि त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक असर से बचाता है। इस मौसम में घर का बना और आसानी से पचने वाला खाना ही खाना चाहिए। गर्मियों में आने वाले बहुत से फलों को सुपर फ्रूट्स कहा जाता है। इनका सेवन करके मौसम की परेशानियों से बचा जा सकता है। जैसे तरबूज शरीर को हाइड्रेट रखता है तथा स्किन को धूप में डैमेज होने से बचाता है। संतरा और नींबू भी त्वचा में नमी बनाए रखते हैं और ताजगी प्रदान करते हैं। पाइनएप्पल शरीर में फैट और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इस मौसम में आम भी प्रचुर मात्रा में और विभिन्न प्रकार की किस्मों में उपलब्ध होता है। आम में आयरन की बहुत अधिक मात्रा होती है जो हमारे शरीर में रक्त निर्माण में सहायक होता है और इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। स्ट्रॉबेरीज से यूरिनरी प्रॉब्लम में राहत मिलती है। अगर आपका वजन अधिक नहीं है तो सुबह नाश्ते में आप केला भी खा सकते हैं। इस मौसम में आने वाले लगभग सभी फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। केले में मौजूद पोटाशियम, कैल्शियम इत्यादि हमें दिन भर चुस्त बनाए रखते हैं, हमारे दिल और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। आंवले का मुरब्बा विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस व आयरन का अच्छा सोर्स होता है। पपीता पेट की तकलीफें दूर करता है। नारियल पानी कम कैलोरी वाला होता है और शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। अंजीर में पोटाशियम मिलता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है।
खीरा भी हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इससे देर तक पेट भरे होने का एहसास रहता है। गर्मी के मौसम में लिक्विड डाइट हमें बढ़ा देनी चाहिए। छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी डाइट में शामिल करें। गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी भी पीजिए। आपको रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना नितांत आवश्यक है। ताजे फलों का रस आप पी सकते हैं, लेकिन डिब्बाबंद जूस पीने से बचें। ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं, लेकिन अल्कोहल और कैफीन के सेवन से आपको बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों की जो गर्मी के मौसम में हमारे लिए बहुत अधिक हितकर होते हैं। उनमें सबसे पहले है गुलकंद। गुलकंद खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों में गुलकंद खाने से शरीर को ठंडक मिलेगी और शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाव मिलता है। त्वचा को भी तरोताजा रखता है। यह पेट को भी ठंडक पहुंचाता है। गुलकंद में विटामिन सी, ई और बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होती है, जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और थकान दूर करते हैं। भोजन के बाद गुलकंद का खाना माउथ फ्रेशनर का काम भी अच्छे से करता है। गर्मी के मौसम में सत्तू का प्रयोग भी बेहद हितकर होता है। इसमें भुने हुए चने, जौ और गेहूं को पीसकर बनाया जाता है। सत्तू पेट की गर्मी शांत करता है। कुछ लोग इसमें शक्कर मिलाकर तो कुछ लोग इसमें नमक और मसाले मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी फायदेमंद और सेहतमंद होता है। गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल सेहत के लिए जितना नुकसानदायक है, उससे कहीं अधिक चने का सत्तू का शरबत हमारे लिए लाभदायक होता है। नींबू पानी। नींबू पानी गर्मी से राहत दिलाता है। गर्मी के मौसम में ये नितांत आवश्यक है। शरीर में गर्मी और उमस के चलते कम हुए लवणों की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। नींबू में अन्य भी बहुत से गुण मौजूद होते हैं, जो गर्मी के मौसम में हमारे लिए हितकर होते हैं। आम्रपन्ना। गर्मियों में आम का पन्ना पीना चाहिए। ये कच्चे आम का शरबत होता है, जो आपको लू से बचाता है। गर्मियों में रोजाना 2 से 3 गिलास आम का पन्ना पीने से पाचन सही रहता है, पेट में कब्ज और अन्य समस्याएं भी दूर होती है और गर्मी से राहत मिलती है। पुदीना। पुदीने के नाम से ही ताजगी का एहसास होता है। खाने में स्वादिष्ट पुदीना के कई फायदे हैं। पुदीना भी माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है। गर्मी के मौसम में डेली दही में पुदीना डालकर खाना चाहिए। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन को भी यह दुरुस्त करता है। गर्मी में अक्सर बच्चों को लू लग जाती है। ऐसी स्थिति में पुदीने का रस पीने से हमें बहुत अधिक फायदा मिलता है। इस मौसम में रोजाना पुदीने का सेवन करना हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद रहता है। गर्मियों में हमें अवश्य पीना चाहिए नारियल पानी। गर्मियों में नारियल पानी पीते रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। शरीर में पानी की कमी हो जाने से या फिर डायरिया हो जाने पर, उल्टी दस्त हो जाने पर नारियल का पानी बेहद फायदेमंद होता है। इससे पानी की कमी तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ जरूरी लवणों की मात्रा भी संतुलित बनी रहती है। गर्मी के मौसम में हरी चटनियों का भी सेवन हमें करते रहना चाहिए। धनिया, पुदीना और प्याज भी गर्मियों के मौसम में बहुत आवश्यक होते हैं। धनिया, पुदीना, आंवला, प्याज इत्यादि की चटनी बनाकर खाने से यह आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है और मौसम के अनुरूप हमें गर्मी से भी राहत दिलाती है। गर्मियों के मौसम में खाने में सलाद का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। सलाद में पानी की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, वसा बिल्कुल कम होता है। सलाद में खीरा, ककड़ी और प्याज आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गर्मी के मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को इस मौसम में ऐसी चीज़ें न दें जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे नूडल्स इत्यादि पर रोक लगाएं। नींबू पानी नियमित रूप से दें। बच्चा खाना वापस ला रहा है तो उसे चावल और जो इत्यादि की चीज़ें खाने में दीजिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो इस मौसम में वीपी का खतरा बहुत अधिक हो जाता है।
इसके अलावा मधुमेह के रोगियों में डिहाइड्रेशन होने की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को खाने का समय निश्चित रखना चाहिए, पानी और तरल पदार्थों का समय समय पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इस मौसम में खाना खाना बिल्कुल न छोड़ें। मूंग की खिचड़ी आप ले सकते हैं, ये पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। डायबिटीज है तो रात का खाना खाना कभी न भूलें और डॉक्टर के निर्देशानुसार खाना पीना दवा इत्यादि समय पर लेते रहें। अब हम जानेंगे गर्मियों के मौसम में हमें किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा वसा वाला, अधिक मसाले वाला खाना हमें गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफ़ी से हमें बचना चाहिए क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन हमारे शरीर में पानी की भारी कमी ला देता है। गर्मी में मिठाइयों का इस्तेमाल भी हमें कम ही करना चाहिए। बासी खाना, जंक फूड हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गर्मियों के मौसम में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड खाने से हमें बचना चाहिए। नॉनवेज का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में अल्कोहल और नॉनवेज के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दर्शकों, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करूंगा कृपया शीघ्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी स्वास्थ्यप्रद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमारा ये वीडियो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना न भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।